लोगों को अच्छी ना लगे। जब मैं चल रहा था, आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा? आपको मालूम है क्यों रो रही थी? नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको यह बात मालूम हो मगर पुलिस को मत बताइए, हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूं। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद गंगा की ओर गए। और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा हूं, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर, जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता है। घर मेरे लिए एक सोच है, एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। और यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर मानता हूं। अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है, अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है। सोच वही है, इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं,